नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे। और इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से फिर एक खबर आई है, और जिस चीज़ के लिए आप लोग लगातार क्वेरी कर रहे थे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे इसको लेकर मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं की गई है। लेकिन एक चूंकि सोर्सेस हैं तो कहीं ना कहीं इनके पास, ये ऐसे नहीं अपने मन से लिख दिए होंगे, इन्होंने कहीं से कुछ जानकारी प्राप्त की होगी, उसके आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। और उस रिपोर्ट में इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सीयूईटी में हो सकते हैं, चाहे आपके लैंग्वेज सेक्शन के हो, चाहे आपके डोमेन सेक्शन के हो, या आपके जो हैं जनरल टेस्ट के हो, उसके बारे में चर्चा की है। आइए हम आपको सीधे आर्टिकल से अवगत कराते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है 26 मार्च 2022 और 8:53 जो है वो लास्ट अपडेटेड आपको उस पर दिख रहा होगा। तो ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर उन्होंने लिखा है, द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंट्रेंस टेस्ट विल रिक्वायर स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ईच केस ऑफ लैंग्वेज एंड डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 60 एमसीक्यू इन जनरल पेपर। पहली हेडिंग ये है कि 40 आपको करना है लैंग्वेज सेक्शन में, 40 आपको करना है डोमेन सेक्शन में, और 60 क्वेश्चन करना है आपको जनरल टेस्ट में। अब इसको डिटेल से समझिए क्योंकि ये इसकी हेडलाइन है, डिटेल में कुछ चीजें और हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। डिटेल देखिए, जब हम डिटेल देखते हैं तो इन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के सोर्सेस के अनुसार जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें जो है एडुकेशन एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होगा। क्वेश्चन इन द सीयू पेपर लैंग्वेज विल बी अ कैंडिडेट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो लैंग्वेज सेक्शन में क्वेश्चन होने वाला है वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होगा, फैक्चुअल लिटरेसी पे होगा, नैरेटिव पैसेजेस पे होगा। बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग दे विल बी एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चन सेट मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट, यानी कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में एग्जाम होगा। कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एमसीक्यू होगा ऑनलाइन होगा, ये लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ही होता है कि ऑनलाइन मोड में वो आयोजित किया जाएगा। अब समझिए फिर से जो है ये डिटेल में जो बता रहे हैं, ये इन्होंने कहा है कि सेक्शन 1A और 1B में जो है द सेक्शन 1A एंड 1B ऑन लैंग्वेजेस विल हैव 50 क्वेश्चंस ईच। 1A और 1B में 50 क्वेश्चन होंगे। 1A कौन सा है? कंपलसरी लैंग्वेज वाला, जिसमें कि आपको 13 लैंग्वेज दिए गए उसमें चूज करना है। और 1B वाला कौन है? जो लैंग्वेज को लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं और उसमें से उनको एक लैंग्वेज चूज करना है यदि वो लैंग्वेज को लेकर जाना चाहते हैं। तो दोनों ही केसेस में एक कंपलसरी है, दूसरा ऑप्शनल है 1B वाला। तो दोनों ही केसेस में क्या है कि 50 क्वेश्चन ये पेपर में देंगे और उस 50 क्वेश्चन में 40 आपको करना है। अब उस 40 को करने का क्या क्राइटेरिया ये सेट करेंगे, क्या उसमें भी कोई ग्रुपिंग करेंगे, इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। या सीधा ये भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई 40 आप करो, तो इस पर अभी आना बाकी है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेकर आप लोग क्वेरी लगातार कर रहे थे और इंडियन एक्सप्रेस ने चूंकि न्यूज दी है तो आप थोड़ा समझिए इसको। एंड इन बोथ केसेस अ कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट 40 करना है। इन द केस ऑफ सेक्शन 1A स्टूडेंट कैन पिक एनी लैंग्वेज फ्रॉम अ बास्केट ऑफ 13, यानी जो 13 लैंग्वेज है उसमें आपका हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमीज, बंगाली, पंजाबी, उड़िया और इंग्लिश शामिल है। और 1B में जो आपका 19 लैंग्वेज है उसको आपको करना है जो फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर कह रहा है कि द सेक्शन 2 पेपर ऑन डोमेन सब्जेक्ट, सेक्शन 2 जो है वो किससे है, डोमेन सब्जेक्ट्स पे है। वन फर्स्ट सेट में ही दो डोमेन सब्जेक्ट भी करने हैं। द टोटल 27 आर ऑन ऑफर एन एन एप्लीकेंट कैन पिक अप टू 6, 6 चूज कर सकते हैं। विल ऑल्सो हैव 50 क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू, ए स्टूडेंट विल हैव टू अटेम्प्ट 40। अब इसमें चूंकि एक जगह इन्होंने ईच लिखा है 40 ईच, यानी कि मैं भी अब चूंकि ये समय भी आपको बता रहे हैं 4-4 घंटे के एग्जाम लेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 40 क्वेश्चन लैंग्वेज का और 40 क्वेश्चन आपको ये क्या कहते हैं डोमेन करने के लिए आपको 4 घंटे दे देंगे। मे भी इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो डोमेन जो भी आप चूज करेंगे उसमें ये 40 क्वेश्चन आपको दे, तो अभी डिटेल यही है, ठीक ना। उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे और 40 आपको करने होंगे। इसके बाद लास्टली है सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है, विल हैव 75 क्वेश्चंस एंड कैंडिडेट हु विल बी एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट 60 एंड एनटीए सोर्स एडेड, यानी कि एनटीए के सोर्स ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि
75 क्वेश्चन हम देंगे जनरल टेस्ट में, और 75 में जो है क्या मिलेगा आपको 60 करना कंपलसरी है। द प्रोविजन फॉर सेक्शन 3 इज कीपिंग इन माइंड दैट फैक्ट सम यूनिवर्सिटीज एडमिट स्टूडेंट इन यूजी कोर्सेज बेस्ड ऑन जनरल टेस्ट स्कोर रेदर देन स्टूडेंट्स मार्क्स इन कोर सब्जेक्ट। और जनरल टेस्ट को इस चीज में ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है कि कुछ विश्वविद्यालय जो है वह कोर सब्जेक्ट के मार्क्स के हिसाब से नहीं बल्कि जनरल टेस्ट के हिसाब से उसको एंट्री देते थे। द लैंग्वेज एंड द डोमेन सब्जेक्ट्स पेपर विल बी ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन ईच, यानी कि लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट जो है वह 45 मिनट का ईच का होगा। अब इन्होंने 4 घंटे में पहले बोला चार चार घंटे की दो पालियां होंगी, शुरुआत में जो है बोला है जो सुबह आपका आर्टिकल आया था, और अब ये बोल रहे हैं कि इसमें जो लैंग्वेज का सेक्शन होगा वो 45 मिनट का होगा और डोमेन का जो होगा वो भी 45 मिनट का होगा। अब देखिए क्या होता है, ईच लिखा हुआ है तो ईच में क्या वो डोमेन वाइज, जैसे मान लीजिए हम 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो क्या तीनों में 45-45 मिनट लगा तो क्वेश्चन भी उतने मिलने चाहिए या एक में मिलेगा, इसमें क्लियरिटी जो है नहीं है। वाइल 1.5 आवर विल बी गिवन टू टेक जनरल टेस्ट, और 1.5 घंटे का समय जो है आपको जनरल टेस्ट के लिए दिया जाएगा। ऐसा एक पैटर्न दिया गया है किसके द्वारा, ये पैटर्न दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। अब हम चाहते तो पीपीटी बना के भी इसको समझा देते, लेकिन कई लोगों फिर कहते सर आप कहाँ ये डाल दिए, आप कहाँ इसको मिल गया आपको व्यूज देने के लिए जो है आप कुछ भी बता दे रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको पूरा आर्टिकल के माध्यम से ही समझा रहे हैं और A to Z डिटेल्स, बस जो भी सोर्स है, मेरा कोई सोर्स नहीं है, हम स्पष्ट क्लियर कर दें कि हम अपनी ओर से कोई सोर्स नहीं रखे हैं, जैसे आपको कई लोग बताते हैं कि भाई सोर्स से पता चला, हमारा कोई सोर्स नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस और जो गैजेटेड आपको दिख रहे हैं जो ऑथेंटिक न्यूज आर्टिकल वाले जो हैं वहां से जो चीजें हमको मिल रही हैं वो फिल्टर करके मैं आपको पहुंचा रहा हूं, और आप देख रहे हैं जैसा कि यानी 8:56 यानी कि 8:06 यानी कि 8 बजे के आसपास पीएम में जो ये न्यूज है और हमने आपको जो है ये 10:30 बजे के आसपास डिलीवर कर दिया। तो आप वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आने वाले रेगुलर अपडेट्स जो भी आएंगे चाहे वो न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से आए या आपका ऑफिशियली आए तुरंत ही आपको अपडेट किया जाएगा। अगर आप CUET से रिलेटेड सिलेबस वगैरह जो हम लोगों के टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल का लिंक है CUET मालवीय अकेडमी, वहां से जुड़िए, वहां देखिए इंग्लिश का सिलेबस गया है, हिंदी का सिलेबस गया है, उसके बाद BCom के बारे में सब ने डिस्कस कर रखा है, LLB के बारे में डिस्कस कर रखा है, आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस वहां किया जाएगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी अपडेट्स वहां मिले। वहां पे कल या परसों से रेगुलर बेसिस पे आपके डाउट सेशन शुरू कर दिए जाएंगे और लाइव क्लासेस भी आपके उस चैनल पे जल्द ही शुरू हो जाएंगे, और बाकी इस चैनल पे भी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, सारी जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ भी आपको मिलती रहेगी। तो फिर से मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपकी कोई क्वेरी अगर होती हो हम लोगों के लायक, मान लीजिए अगर आप लोग की कोई समस्याएं आती हैं, अगर आप लोग अक्सर चाहते हैं कि ट्विटर वगैरह पे आपको सपोर्ट मिले तो हमारे इस ट्विटर हैंडल से जुड़ जाइएगा @worldBHU से, और यहाँ आप देखेंगे कि हम लोग लगातार उससे रिलेटेड जो है आपकी बातें वह पहुँचा रहे हैं। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे भी @SoorajBHUWorld पे आप जुड़ सकते हैं, इसके माध्यम से भी मैं आपकी आवाज़ को एक जगह करने का प्रयास करता हूँ। तो फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।